सो हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन बाय द वे। ठीक है, तो ये अपनी सैकेंड वीडियो हैगी है जो कि इस हफ्ते, क्योंकि मैंने कहा कि दो वीडियोस आनी ने, सो ये सैकेंड वीडियो है इस चैनल की, सॉरी इस वीक की। चैनल बोली जाता की हो रहा मैंने यार। ठीक है, सो बेसिकली उन्होंने छड़ते हुए सो आप अज के टॉपिक वाल वे, जो कि अज की आप जी वीडियो पर रिएक्ट कर लगे, वह भी आप पहली वीडियो तो आपने जी वि जिस वीडियो पर आपने रिएक्ट किया सनरेबी की, एंड जी वीडियो ये भी कनत सनरेबी की कनत कर रहे हैं। सो ये वाली हैगी है फनीएस्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेसन। सो ये भी वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं देखी नहीं है कि पहली, मैं गल कह दा। ठीक है, मैं नवी देख रहा वीडियो ये। सो पहली वीडियो जो देखी सी वो भी मैं नवी वीडियो देखी सी, हम ये भी वीडियो आप देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूं। नहीं है ऐसा तू पैन के लोग, आई थिंक जो भी ये चैनल गाल कटे, आई लाइक टू बिलीव यू से इंग्लिश समझ आती है, क्योंकि मैं हाफ ऑफ द टाइम इंग्लिश में बोलता हूं। एंड अगर तुम्हें इंग्लिश समझ आती है, तुम में से काफी हजार लोग इंग्लिश गाने भी सुनते हो। मैं तो नहीं सुनता, ऑल ऑफ यू मतलब कोई सॉन्ग बाय नॉरवेक्स साउंड डीजर मैक्स यो मेरा बच्चन जी। और मैं भी उनमें से एक हूं, मुझे भी काफी अच्छे लगते हैं, बट मुझे हमेशा पता क्या एक फीलिंग होती है कि यार काश मेरे पेरेंट्स भी समझ पाते। आई लव माय डैडी, लिरिकल विरिकल जब चीजें होती हैं एमिनेम की, काश मेरे पेरेंट्स भी समझ पाते कि ना समझो, देखो कितने अच्छे ये गाने। अगर तुम भी उनमें से हो जिनको इंग्लिश सॉन्ग समझ नहीं आते, या मन कर रहा है तुम्हारा कि अपने पेरेंट्स को भी कैसे समझाएं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मीट मिस्टर हूज द बॉस, ओ सॉरी विडूरिया, ही लुक्स लाइक मिस्टर हूज द बॉस। क्या रिव्यू है, बस फर्क यह है कि मिस्टर हूज द बॉस टेक रिव्यू करता है एंड ये गाने, एंड आई थिंक ही इज बेटर। ओके, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट ट्रांसलेशन पे चलते हैं। मैं जज करना चाहता हूँ कितनी अच्छी है, क्योंकि पेरेंट्स को भेजने से पहले थोड़ा जज करना पड़ेगा। ठीक है, अब सीधा चलते हैं, हम गाना सुनते हैं। कार्निवोरस बी एंड कान्ये वेस्ट का हॉट शिट, मैंने गाना सुना नहीं, बट मैं सिर्फ पता लगा लूंगा नहीं गाना अच्छा है कि नहीं। सो लेट्स गो, मैं भी तुम्हारे साथ सीख रहा हूं। मैंने तो अच्छा लगा वो। व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक, और आज हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं कार्डी बी का न्यू गाना हॉट शिट, गर्मा गर्म। तो ये जो गाना है ये कार्डी बी के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। और भाई ये छोड़ो भाई, सीधा लिरिक्स पे चलते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। इंट्रो कार्डी बी, टेक इट दिस टू हार्ड, टेक इट ये बहुत कड़क है, टेक इट फक दीस गाइस अप, टेक इट ये बंदों को छोड़ो। भाई वो आई थिंक टेक इट का पुलिस अटैक है, बट कोई ना, भी मूव ऑन आगे। इधर वे यू स्लाइस इट, बॉटम लाइन एंड टॉप बिच, तुम कहीं से भी काटो, असलियत तो ये है कि मैं एक ऊंची कुतिया हूँ। भाई हेलो, रुक जा यार, हेलो, दिस मैन टेक्स एवरीथिंग सो लिटरली। भाई ये तो उन्हीं लड़कों में से जिनको बोलिए तो फक यू, और वो समझ लेते हो भाई गेन यू है, मैं लड़कों से नहीं करता, छोड़ना चाहता तो मुझे। भाई इतना क्या हो गया, इतना लिटरली क्यों ले रहा है भाई, आराम से। हेलो यार, तो की है कार्डी बी एक ऊंची कुतिया है। चलो भाई, कॉन्टेस्ट इट वुडंट बी अ कॉन्टेस्ट, अगर कोई गंदी कुतिया चुनने की प्रतियोगिता होगी तो प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी, प्रतियोगिता होगी नहीं वो, क्योंकि विनर का नाम पता है, मैं ही होने वाली हूं। ओ भाई, साइमन सेज लुकिंग एज, और रुक जा भाई, एक तो ही लुक्स लाइक एवरी अदर यूट्यूबर भाई, ज्यादा लिटरली ले रहा है, बट काइंड ऑफ एंटरटेनिंग। आई डोंट नो व्हाट यार मैन, माय हार्ट और माय नेकलेस, पता नहीं कौन सा ठंडा है, मेरा दिल या मेरा गले का हीरा। Pretty when I wake up, I'm a bad bitch at breakfast. जब मैं उठती हूँ तो बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, सुबह का नाश्ता करने के समय पे मैं एक गंदी कुतिया बन जाती हूँ। Guys, we came to a conclusion, Cardi भी एक गंदी कुतिया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई लड़का सोचता होगा कि let me search कि भाई इस गाने का मतलब क्या है, और वो सुनता होगा ये बोल रही है अपने आप को गंदी कुतिया बोली जा रही है वो। बाकी ये पेरेंट्स को तो मैं सुना नहीं सकता, पता लगा उनको सुना दिया, उनको लगे कि मैं एक गंदी कुतिया बनना चाहता हूँ, तभी सुन रहा हूँ भाई नहीं। तो यार आई थॉट आई योर होस्ट बिफोर, इट मस्ट बी डेजा वू, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारी रट्टी को पहले मार दिया है, शायद मुझे फिर से ऐसा महसूस हो रहा है। ओ भाई ये तो बार बार ऐसे बोल रहा है, सब्जी बिक रही है, जैसे मिस्टर हूज द बॉस टेक रिव्यू करते हैं, मिस्टर विदुरिया जी करते हैं गंदी कुतिया रिव्यू। विदुरिया भाई मेरे पास ना एक आइडिया है, एकदम बॉम्बार्ड लंकर आइडिया, चैनल हिट, एक न्यू चैनल बनाओ विदुरिया टू हिंदी टू इंग्लिश, उसमें पहला करो तेरी माँ चाहेंगे मोर, ताकि अंग्रेज भी ट्यूमर फील कर सके ना, अब इंडियन क्यों करें,
मैं जो नाच तो ऐसे रहे होते हैं, पता नहीं इससे बैंगर सॉन्ग नहीं है कोई, बेचारे ऐसे ऐसे करके पैर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के नाच रहे हैं उस पे, जैसे पता नहीं यार मुंबई आके लग चाहेंगे शुक्र है खुद डिलीट कर दिया, बट आई डोंट ट्रस्ट विदूरिया, मुझे लगता है उसमें मजे ले लेगा। जब बैठा हूँ तुझे नीचे मैं लू तेरी पीछे से, इज दी ओनली टाइम आई नीड बैकअप। कृष्णा इज सेइंग ही मेक्स एमीवे ले ऑन द ग्राउंड एंड देन ही फक्स हिम इन द एयर। Let me tell you guys, this is not gay in India. We fuck each other asshole to assert dominance. I can't do this, bhai. चलो भाई एक और गाना सुन लेते हैं और क्या क्या रिव्यू कर रखा है इसने। गेमिंग ओ भाई ये नहीं करना, गेमिंग ऑन आईपैड प्रो विद पीएस, ना 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 नो 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 नो, ऐसी चीजें मत करो। ये वीडियो चल गई पता लगे आपने ट्रांसलेशन छोड़ दी, और अगर आपने ट्रांसलेशन छोड़ दी तो यूथ को एजुकेट कौन करेगा? अब आपने अमेरिकन्स को भी एजुकेट करना है, ठीक है, जो व्यूज खाते हैं ऐसे देख देख के जो समझ नहीं आता उन्हें, कोई ना एजुकेट आप नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ विदुरिया तू बहुत ज्यादा चलने वाला है चैनल। ओ भाई मिल गया गाना, चलो भाई वैप सुनते हैं कार्डी बी का भाई का। ओ भाई इसने पहले बोल दिया टेंशन यूज हेडफोन्स। ओके आर्टिस्ट का नाम है कार्डी बी, सॉन्ग का नाम है वैप, WAP। FYI वैप का फुल फॉर्म होता है वेट एज पुसी, मतलब बहुत भीगा भूसी। कुछ भाई भाई यार की देख रहा है भाई, क्यों देख रहा है यार। शुरू करते हैं। I said certified free, मैंने बोला मैं बावरी हूँ। Okay. 7 days a week, सातों के सात दिन मैं बावरी रहता हूँ। भीगा भीगा बोलते हैं। Make that pull out game weak, तुम्हारा जो लड़का बाहर निकालने का जो तरीका होता है मेरा इतना भीगा है कि तुम जो निकालते हो उसका मतलब पूरा का पूरा जो शो है एनर्जी है वो पूरी फीकी पड़ जाती है। ये यू फकिंग विद सम वेट एज पुसी, आप जो है एक बहुत ही भीगे भाई। ये तो पूरा गाना सुनना भाई, फुल एंटरटेनमेंट है। Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. मतलब ये भोसड़ा इतना भीगा है कि इसके लिए एक बकेट और पोछा लेके आओ भाई। Give me everything. नहीं भाई, इस गाने को पूरा नहीं सुन सकता। Give me everything you got for this wet ass pussy. ये भीगे भोसड़े के लिए मुझे जो भी तुम्हारे पास ताकत है सारी दे दो। ऐसा जो कुछ और किए भाई, आप कॉड का रिव्यू डालो यार, मैं वो ही देखूंगा। 83,000 टाइम मैं देखूंगा, ये कितने व्यूज है इसके? Yes, 89,000 टाइम मैं देखूंगा आपका कॉड का रिव्यू। वैसे यार एंटरटेनिंग तो है, he has a face of a YouTuber, है टैलेंट भी है। I do a Kegel while it's inside. जब तुम्हारा दिल मेरे भोसड़े के अंदर है तब मैं एक कीगल एक्सरसाइज करता हूं, मैं उसको दबाऊंगी। और टैलेंट तो भाई कार्डी बी में ही मानना पड़ेगा। बताऊंगी कि मेरे को ये जो रिंग है वो कैसे मिली। रिंग मिली है भाई। भाई मैं बता रहा हूँ ये कमेंट्री चैनल वाले और इंडियन रूस्टर्स ऐसी बदनाम है। विक्टोरिया भाई ने जितनी बारी कुतिया बोला बोल चुके हैं ना एक ही वीडियो में, मैं बता रहा हूँ इट्स कमेंटेबल भाई। आगे गाना खुद जाके के चैनल पे सुनो, मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट प्रॉब्लम बस यही है कि कोई लड़का गया यार ये वैप सुनते, मैंने एक लड़की को सुना था मेरे स्कूल में यार, इसको मतलब क्या होगा? लेट मी गो होम, लेट मी लिसन टू इट, क्या मतलब है इसका वैप का? और वो सुन ले उसके कान के पर्दे सुन लिया मैंने, ये तो बहुत ही गंदी लड़की है। भाई एक भाई मेरे फेवरेट आर्टिस्ट वीकेंड का भी सॉन्ग सुन लेते हैं भाई, एटलीस्ट वो तो सुनूंगा जो मैंने सुने हुए हैं। Asked me if I do this every day, I said often. उसने मुझे पूछा कि क्या तुम ये रोज करते हो, मैंने बोला अक्सर करता हूँ। Asked how many times she rode the wave, not so often. वो लड़की को मैंने पूछा तुमने कितनी बार कंटिन्यूसली मजे लिए हैं, उसने बोला अक्सर नहीं लिए। Bitches down to do it either way, often. कुतियाओं को हमेशा चोटा होता है अक्सर। Baby, I can make that pussy rain, often. मैं वो भोसड़े में से बारिश निकलवा सकता हूँ अक्सर। Girl, I do this often. लड़की मैं ये अक्सर करता हूँ। मेक दैट पुसी पॉप एंड डू इट हाउ आई वॉन्ट इट ऑफन। वो चूत को मैं फोड़ देता हूँ और खुला देता हूँ और फिर मुझे जैसे करना होता है मैं वैसे ही करता हूँ अक्सर। इसकी ट्रांसलेशन ऐसे लग रहा है कि ये RAPE सॉन्ग है। ओ भाई जा रुक जा रुक जा, माफ कर दे विदुरिया भाई। सो यस गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन, करो एंजॉय, जाके देखो, वेरी टैलेंटेड गाय, ठीक है, लव्ड इट। ओके नाइस।
यार इन्ना खतरनाक सॉन्ग होंगे मैं अज पता लग रहा सीरियसली गल दसा कि इन्नी खतरनाक सॉन्ग होंगे यार सीरियस मेरा मेरा दिमाग हिल गया सीरियसली गल दसा यार। सो यही सी अज की वीडियो। सो उम्मीद है कि जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। बहुत हटके वीडियो सी, बहुत अजीब वीडियो सी। उम्मीद है कि थोड़ा ये वीडियो जी पसंद आएगी तो लाइक कर दो यार प्लीज़। तो नवे तो सबसक्राइब कर दो। मिलता थोड़ा अगली वीडियो में। तद तक मेरे वालों गुड बाय।